राष्ट्रपति पैसे के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं। कई महीने हो गए लेकिन अब तक बैंक से पैसा नहीं निकल पाया है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन हम महामहिम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक शख्स की बात कर रहे हैं जिनका नाम ही राष्ट्रपति है। चौंकिए मत, वो शख्स जब किसी को अपना नाम बताता है तो लोग यकीन नहीं कर पाते। क्या है उनके नाम की महिमा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं राष्ट्रपति। महीनों से काट रहे बैंक के चक्कर, बड़ी है इनके नाम की महिमा। नाम सुनकर हंसने लगते हैं लोग। एक गलती, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति हुआ। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों राष्ट्रपति बैंक के चक्कर काट रहे हैं। पिछले कई महीनों से अपना काम कराने के लिए ये चक्कर काट रहे हैं। उनका काम अब तक नहीं हुआ, लेकिन इनका नाम खूब चर्चा में है। जो भी इनका नाम सुनता है वो हैरान रह जाता है। कई लोग तो इनके नाम पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आधार कार्ड देखकर लोगों को विश्वास होता है। कौन रखा है नाम राष्ट्रपति? हाँ भैया, पिताजी माँ बाप तो रखे रहे होंगे। तो आपको कभी कोई बोला नहीं नाम को लेके कि राष्ट्रपति नाम है, कहीं जाते होंगे काम कराने? नहीं नहीं, बोलते तो हैं, लेकिन मेरे को भी फिर नाम से शर्म आ जाता है। शर्म आता है जी। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं आप इतना बड़ा नाम है आपका, राष्ट्रपति। इनके नाम की महिमा के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनका असली नाम राष्ट्रपति था, लेकिन स्कूल में इनका नाम गलती से राष्ट्रपति कर दिया गया। तब से उनका यही नाम चलता आ रहा है। जब मैं बड़ा हो गया तो लगा कि मेरा नाम ऐसा है, मेरे को कुछ एहसास होने लगा। तो मैं बोला तो बोले कि पहले तेरा नाम बोले राष्ट्रपति रखते थे, गांव में राष्ट्रपति भी बोलते हैं मेरे को, यह मार्कशीट में राष्ट्रपति नाम है। तो जब पांचवी छठवीं पढ़ने लगा, पांचवी में बोला, मैं बोला सर मेरा नाम बदल दीजिए, राष्ट्रपति लिख दीजिए। तो सर बोले नहीं, अब रजिस्टर खराब होगा, अरे नाम नहीं बदलूंगा। तो फिर मेरा नाम यही चलते आ रहा। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति बैंक के चक्कर काट रहे हैं? दरअसल मां की मौत के बाद मुआवजा राशि 62,457 रुपए बैंक में जमा कराई गई थी। इस राशि में से उसने 25,000 रुपए निकाल लिए थे। अब उसे बची हुई रकम को भी निकालना है, लेकिन बैंक के कई चक्कर काटने के बाद भी राष्ट्रपति को राशि नहीं। मनेंद्रगढ़ से नीतीश शाह, न्यूज 18। चुनाव आ गया है।